हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताते हैं, जो बनाने में बिल्कुल आसान है। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप बना सकते हैं। इसके लिए हमने ये चार कलर लिए हुए हैं। ये देखिए, मैंने चार कलर लिए हुए हैं और 9 नंबर ही मैंने ये सिलाई ली हुई है। और आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकती हैं, तो मैं भूल में आपको बता रही हूँ। और आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकती हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए, मैंने आपको 16 फंदों में बता रही हूँ। आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप इससे ज़्यादा फंदे ले सकती हैं। इसमें 30 फंदे, 40 फंदे, इस हिसाब से आप फंदे इसमें डाल सकती हैं। तो मैं आपको ये शुरू से ही बताऊँगी किस तरह से हमने डोरमेट को बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, यानी कि दोनों तरफ से 3 सिलाइयाँ बनाएंगे। चौथी सिलाई पे हमने दूसरा कलर इसमें लगाना है। तो मैं आपको ये बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए हम यहाँ पे ये 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए, फिर आपको दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, यानी कि दोनों तरफ से 3 सिलाइयाँ। चौथी सिलाई पे हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे इसमें। ये देखिए, तो चौथी सिलाई पे हम यहाँ से उल्टी तरफ से दूसरा कलर इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए, आपके पास में पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ से उल्टी तरफ से दूसरा कलर इसमें लगा लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे और हमने इस तरह से फंदा इसमें बढ़ाना है। आप अपने हिसाब से इसमें फंदा बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये देखिए, और लास्ट के हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे 2 फंदे बगैर बुने छोड़ दिए हैं और हम यहीं से वापस हो जाएंगे इस तरह से। सोलह फंदे मुझे ये दो दो करके छोड़ने हैं, जितने भी फंदे हमने डाले हुए हैं, और 8 फंदे हमने आगे की तरफ बढ़ाने हैं। उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई पे लपेटते हुए फंदा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 फंदे हम बढ़ा चुके हैं और लास्ट के हम 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे। 16 फंदे हम छोड़ देते हैं और 8 फंदे हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, और आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए आप, 16 फंदे मैंने दो दो करके छोड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। और 8 फंदे हमने ये देखिए इस तरह से ये बढ़ा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो मैंने फंदे छोड़े हुए सभी को हम इसी कलर से, ये देखिए, सभी को हम इस कलर से इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको ये डोरमेट बता रही हूँ। आप इसे चाहे टेबल मैट बोलें, चाहे डोरमेट। ये देखिए, 16 फंदे हमने ये दो दो करके छोड़े हुए थे, ये सभी हमने बना लिए हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ से
उल्टी तरफ से इसमें एक सिलाई ये येलो की बनानी है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैं एक सिलाई येलो की इस तरह से बना लेनी है। तो यहाँ पे हम एक सिलाई येलो की बना लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे येलो कलर से पूरी सिलाई को बना ली है। अभी हमारे टोटल पूरे 24 फंदे हैं, ये ऐसी तरह से 8 फंदे हमने बढ़ाए हुए हैं और 16 फंदे हमने डाले हुए हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे। तो ग्रीन कलर की हमने यहाँ पे इस तरह से ही लगाते हुए ये दो सिलाइयाँ बनानी है, यानी कि दोनों तरफ से मुझे 4 सिलाइयाँ बनानी है। चार सिलाइयाँ हमने बनानी है, येलो की हमने एक सिलाई बनाई है, दोनों तरफ से दो सिलाइयाँ, और यहाँ पे ग्रीन कलर की हम दोनों तरफ की 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेते हैं इसी तरह से। अभी हमने कोई फंदा नहीं घटाया है इसमें, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए हम बना लेते हैं फिर देखिए। मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना ली हैं ये ग्रीन कलर की, ये देखिए दो सिलाइयाँ दोनों तरफ की 4। अब फिर से हमने एक सिलाई येलो की ही बनानी है उसी तरह से जिस तरह से हम नीचे बनाए हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं एक सिलाई येलो की बना लेती हूँ जिस तरह से मैंने ये नीचे बनाई हुई है उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से येलो की ऊपर भी इसी तरह से एक सिलाई बना ली है। इसके बाद हमने जो नीचे कलर लगाए हुए वही कलर हमने इसको लगाना है, ये देखिए इस तरह से। तो हम उल्टी तरफ से एक ये कलर लगा रहे हैं इस तरह से, ये देखिए उल्टी तरफ से हमने कलर को लगा लिया है। तो ये हम पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए हमने उल्टी तरफ से लगा लिया है ये कलर, और आधी पत्ती हम किस तरह से ऊपर को ये बनाएंगे जिस तरह से हमने नीचे बनाई हुई है फंदा बढ़ाते हुए, उसी तरह हमने ऊपर बनाना है फंदा घटाते हुए। तो देखिए यहाँ पे हम 8 फंदे बढ़ाए हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे हम एक फंदा कम करते हैं, ये देखिए आगे के हम 7 फंदे यहाँ पे बना लेते हैं। एक फंदा हमने कम कर दिया है, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे मैंने बना लिए। 2 फंदे मैं आगे से जो हम फंदे छोड़े थे उसी तरह से हम आगे के 2 फंदे यहाँ से ले लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और हमने आगे के ये 16 फंदे जो छोड़े हुए हम 2-2 करके लेंगे इसमें से, हम यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को इस तरह से बनाएंगे। एक फंदा हमने घटाया था और 7 फंदे हमने यहाँ पे बनाए थे और 16 फंदे हमने यहाँ पे ये सभी को छोड़ दिए हैं। अब हम ये 2-2 करके जिस तरह से हम छोड़े हैं उसी तरह हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा फंदा घटा रहे हैं, ये देखिए आगे के फंदे हम सभी को बना लेंगे जिस तरह से बढ़ाए हैं उसी तरह हमने घटाने हैं, ये देखिए। तो 2 फंदे फिर से हम आगे के ले लेते हैं इस तरह से, ये देखिए, और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ये सभी फंदे मुझे इसी तरह से लेने हैं जिस तरह से मैं यहाँ पे नीचे छोड़ी थी 2-2 करके, उसी तरह से हमने 2-2 करके फंदे यहाँ पे लेने हैं। तो उल्टी सिलाई को हम इस तरह से बना लेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये देखिए तीसरा फंदा हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, ये देखिए तीसरा फंदा हमने कम किया
और ये सभी फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए यहाँ तक जो भी फंदे हमने बनाए वहाँ तक हमने ये बना लिए, तीन सिलाइयाँ बन चुकी हैं ये। और दो फंदे फिर से हम यहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए पीछे के दो फंदे लेते हैं और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। इस तरह से हमने इसको बनाना है। जितनी सिलाइयाँ हमारी नीचे की बनी हुई हैं पत्ती में, उसी तरह सेम हमारी ये ऊपर की पत्ती भी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको बनाते हैं, सभी फंदों को इसी तरह से ले लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने सभी फंदे घटा दिए हैं और लास्ट वाला फंदा भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 8 फंदे घट चुके हैं, 16 फंदे हमारे रह गए हैं, ये देखिए। और देखिए ये नीचे 8 सिलाइयाँ बनी हुई है, उसी तरह से ये ऊपर भी 8 सिलाइयाँ बन चुकी हैं, ये देखिए। और लास्ट के दो फंदे और बचे हैं, इनको भी हम बना लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। ये दो फंदे बचे थे, ये भी हमने इस तरह से बना लिए। तो 16 फंदे वापस हो गए हैं और देखिए पत्ती बनके हमारी कंप्लीट है। और फिर से हमने वाइट कलर की इसी तरह से दो सिलाइयाँ बनानी है और इसी तरह से मैं ये 6 पत्तियाँ इसमें बना के कंप्लीट करूँगी और आपको फिर दिखाऊँगी। तो देखिए बहुत आसान तरीके से 6 पत्तियाँ हम सभी को बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। मैंने इसमें 6 पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं, उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये पहली पत्ती बताई है। और यहाँ पे देखिए मैंने वाइट नहीं लगाया है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, इसको उल्टा करते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अगर देखिए ये बीच में जो गैप है इसमें आप कोई भी छोटा सा इस तरह का सर्कल बना के लगा सकती हैं, या साथ में भी आप इसको सिल सकती हैं। तो मैं इस तरह का सर्कल बनाई हूँ इसमें और ये मैं इस तरह से इसमें लगा लूँगी। तो देखिए हम यहाँ पे सिलाई करते हैं। और इस तरह से भी आप अगर नहीं लगाना चाहती हैं तो इस तरह से भी आप इसको सिल सकती हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने सिलाई करनी है और देखिए काफ़ी बड़ा डोरमेट बन गया है, 16 फंदे का हमने बनाया है ये। कि फ्रेंड्स मैंने इसको सिल लिया है और बन के कंप्लीट है। और देखिए आप इस तरह से सुई से जो भी आपको कलर पसंद है आप उस कलर के इस तरह से पॉम पॉम्स इसमें बीच में लगा सकती हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हम बीच में सुई से पतली वाली सुई से इसको पॉम पॉम को लगा सकते हैं। और देखिए आपको जो भी बीच में पसंद है, ये देखिए। तो ये डोरमेट हमारा बनके कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।